पश्चिम बंगाल में इस समय सियासी हलचल है और होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसके लिए वह हर रणनीति पर काम कर रही है। और नई रणनीति के तहत बीजेपी ने दांव खेला है शहनवाज हुसैन पर। क्या है रणनीति, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और सभी दलों ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हर पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी रणनीति बना रही है। कुछ रणनीति बंगाल में बन रही है तो कुछ बिहार में बन रही है। बिहार में रणनीति बना रही है बीजेपी, जिसने एक तीर से कई निशाने लगाने का काम किया है और वो तीर है शाहनवाज हुसैन, जिन्हें बीजेपी ने बिहार में भेजा है और बिहार की एनडीए सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया है। दरअसल बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, इसलिए बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को बिहार भेज दिया। इससे एक तो बीजेपी को बिहार में मुस्लिम चेहरा मिल गया और दूसरा नीतीश सरकार में भी बीजेपी का दखल रहेगा। वहीं इसके अलावा बीजेपी ने एक संदेश पश्चिम बंगाल को भी दिया है, जहां इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। दरअसल बीजेपी शाहनवाज हुसैन के जरिए पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दरमियान मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गई है। और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल के 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर की संख्या ज्यादा है और कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी है और उनकी सीमा बिहार से लगती है। और यही वजह है कि शाहनवाज हुसैन से बीजेपी को उम्मीद बढ़ गई है। बीजेपी की उम्मीद बने शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक ताल्लुक बिहार के सीमांचल से है। वो किशनगंज से सांसद रहे हैं और सीमांचल इलाके में होने वाली सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों, मदरसों और मस्जिदों में गहरी पैठ भी रखते हैं और बंगाल के बड़े इलाके का बिहार के सीमांचल से एक गहरा नाता है। वहीं बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, रायगंज और 24 परगना के मुसलमानों की बड़ी आबादी बिहार के सीमांचल से जुड़ी हुई है। सीमांचल के समृद्ध मदरसों में वहां के मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं तो सीमांचल के समृद्ध मस्जिदों से इन इलाकों के गरीब मुसलमानों को मदद पहुंचती है। जाहिर है सीमांचल के मदरसे और मस्जिद पश्चिम बंगाल के बड़े मुस्लिम बहुल हिस्से के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि सीमांचल के मुसलमानों में मजबूत पकड़ रखने वाले शाहनवाज अचानक बीजेपी की राजनीति के लिए अहम हो गए हैं। ये वही शाहनवाज हुसैन हैं जिनके बारे में कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, इसे तो लोकसभा में होना चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी की उम्मीद एक बार फिर शाहनवाज हुसैन पर टिक गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा ऐसे लगाई जा रही है जैसे किसी राज्य को युद्ध के जरिए जीतना हो। जाहिर है बीजेपी को तमाम रणनीतियों पर पूरी ताकत के साथ उतरना होगा और यही वजह है कि बीजेपी की राजनीति में हाशिए पर धकेले जा चुके शाहनवाज हुसैन अचानक अहम हो गए हैं। अब शाहनवाज हुसैन बीजेपी को कितने वोट दिलवा पाते हैं और चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की रणनीति ने विरोधी पार्टियों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है।